प्रियंका चोपड़ा के भाई ने तीसरी बार सगाई कर ली है। प्रियंका के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की रोका सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। ये तीसरी लड़की है जिसके साथ सिद्धार्थ की शादी तय होने के बाद रोका किया गया है। हर 2-3 साल में सिद्धार्थ का रोका होता है। सिद्धार्थ चोपड़ा का तीसरा रोका एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय से हुआ है और दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सिद्धार्थ और नीलम की रोका सेरेमनी की तस्वीरें छाई हुई हैं, जिसमें वो अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा और जीजा निक जोनस के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस रोका में प्रियंका की दूसरी बहन मनारा चोपड़ा भी पहुंची थी। सिद्धार्थ की ये तीसरी बार सगाई हुई है। इससे पहले वो दो और लड़कियों से सगाई कर चुके हैं। साल 2019 में सिद्धार्थ का रोका इशिता कुमार के साथ हुआ था। अप्रैल 2019 में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक दोनों का रिश्ता टूट गया और शादी कैंसिल हो गई। बताया गया था कि शादी सर्जरी की वजह से पोस्टपोन हुई है, लेकिन बाद में इशिता ने अपनी प्रोफाइल से रोका सेरेमनी की तस्वीरें डिलीट कर दी। सगाई टूटने पर प्रियंका चोपड़ा की मां ने कहा था कि उनका बेटा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसने परिवार से कहा है कि उसको और वक्त चाहिए। जून 2021 में इशिता ने आर्यन बेलानी के साथ लंदन में शादी कर ली। इशिता से पहले 2014 में सिद्धार्थ ने अपनी गर्लफ्रेंड कनिका माथुर से सगाई की थी, लेकिन तब भी वो शादी नहीं कर पाए थे। दोनों की शादी फरवरी 2015 में होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक इस शादी को कैंसिल करने का कारण सिद्धार्थ ने अपने करियर पर फोकस करना बताया था। कनिका को 3 सालों तक डेट करने के बाद सिद्धार्थ ने उनसे सगाई की थी। सगाई टूटने के बाद कनिका माथुर लाइमलाइट से दूर चली गई थी। अभी सिद्धार्थ की तीसरी बार सगाई हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ की ये सगाई शादी की दहलीज तक पहुंचेगी भी या नहीं। वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।